नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस टाइम उसके संडे क्लास में। आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो जरूर देखना पूरी की पूरी क्लास, है ना। अब इसमें जैसे कि कमेंट्स आए हुए थे कि जैसे हमारे कई वर्ड बने हुए थे, डिक्टेशन दी थी आपको, तो उसमें आया AIR, SC, एक्ट वगैरह आए उसमें। तो अब स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा कि इनको इंग्लिश में लिखना है कि हिंदी में ही, ठीक है ना। आपको क्या करना है, बोला जाएगा तो आपको इस तरह से लिखना है AIR, समझ रहे हैं आप, ठीक है। जैसे लिखा SC, एक्ट लगा है, तो हमने क्या किया, हिंदी लिख रहे हैं SC। कुछ भी अगर इंग्लिश वर्ड आता है, आपको कुछ भी ले लें आप, अगर कोई सा भी इंग्लिश वर्ड अगर उन्होंने दिया हुआ है, कोर्ट वाले विशेष ध्यान देना इस बात को, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये एक्ट आएंगे जो है पक्का है। अगर ऐसा आता है तो आपको क्या करना है, हिंदी में देना है, ना कि इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कई लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए बताना पड़ रहा है। दूसरा आते हैं हम सन पर, जो सन आती है हमारी, जैसे बोला जाता है 1990। अब कई लोग इसको क्या क्या करने में लगे हुए हैं, उन्होंने लिखा 1990, समझ रहे हैं आप। अब ये नहीं होगा इसके अंदर, इसमें क्या है, जो मैथ जो सन होती है, सन को हम मैथ में ही लिखते हैं, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं रखते हैं, ठीक है ना। 1990 आ गया, 1872 आ गया, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 25 अक्टूबर 1990, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा 25 अक्टूबर 1990, इस तरह से आएगा, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि पता चले कि ऐसे कर दो कि 1990 हिंदी में डाल रहे हैं हम, इस तरह से बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है ना। अब जैसे कि जो भी तैयारी कर रहे थे कोर्ट की, तो उसमें क्या है कि जजमेंट आपको डिक्टेशन डाल दी गई है, आप उसको प्रैक्टिस करके देखें। ये शुरुआती डिक्टेशन थी, ठीक है ना, तो उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि डिक्टेशन किस लेवल की आने वाली है। ये शुरुआती है, अब देखते आएंगे और अच्छी डिक्टेशन आएगी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम, जो टॉपिक हमारा पिछली बार हुआ था वो हमने पूरा नहीं कर पाया था, CRPR, ठीक है ना, स्टेनो, ASI, ठीक है। इसमें क्या होता है, CRPF के अंदर स्टेनो में हमारा क्या मांगा जाता है, 12th पास, ठीक है ना। अब इसमें क्या हमारा फिजिकल टेस्ट रहता है, ठीक है। दूसरा आपका रिटर्न रहता है, तीसरा आपका स्किल रहता है, और मेडिकल तो सब में होते ही है। अब इसमें आप देखें कि फिजिकल टेस्ट जो रहता है ना के बराबर होता है, समझ लेना आपकी जैसे 1.65 हाइट, ठीक है, 1.67 तक नापी जाती है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये बता देते हैं आपको पहले, ठीक है ना। चेस्ट का रहता है वो अपना, उसके सुविधा के अनुसार रहता है वहाँ पर जो भी नापे। अब इसके बाद रिटर्न टेस्ट आता है, रिटर्न टेस्ट में जो आपका रहता है, इतना सिंपल पेपर रहता है 225 नंबर का, ठीक है। अब ये 225 नंबर आपको अभी बताएंगे किस तरह से। स्किल टेस्ट होता है हमारा किसका, स्टेनो को हम क्या बोलते हैं, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट कैसा होगा, इसमें 10 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है। वर्ड कितने होंगे हमारे इसके अंदर, 800, स्पीड कितनी हो गई, 80। तो आपको इसमें पहले ही बताया है कि जब डिक्टेशन शुरू करते हैं, जो डिक्टेशन देने वाले हैं वहां पे या कहीं पर भी, तो जरूरी नहीं कि 80 से शुरुआत करेंगे वो, ये CRPF के अंदर
सबसे सिंपल पेपर माना जाता है अभी तक का ये, कि अगर आपको स्टेन वगैरह अच्छी तरह से आती है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी की है इनमें, तो आप निकल जाते हैं, इनमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी आपको दोनों में। बस मेन क्या बचता हमारा, स्किल टेस्ट। अगर आपने इसमें स्टेनो की तैयारी अगर अच्छे लेवल पे आई की है तो इसमें क्या है, 80 से जरूरी नहीं 80 से बोलें, जरूरी क्या है कि 90 से बोल दें, ये भी नहीं है जरूरी कि 100 से ही बोल सकते हैं, समझ रहे ना आप, और ये भी नहीं है कि 80 से ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे से 80 लाए, फिर 90 ला दिया, फिर 80 ला दिया, फिर 100 ला दिया, समझ रहे हैं आप। मतलब आपको अपनी डिक्टेशन जो है बनाए रखना है, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा हो रही तो हम छोड़ रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको डिक्टेशन जो सीआरपीएफ के नाम से भी आएगी तो आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद आते हैं हम, आपका जो रिटर्न एग्जाम था उसमें आप देखें, पहला रहता है हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। ये कितने नंबर का, 50 नंबर का पेपर। आपने जो भी आपका जो भी मीडियम हो, हिंदी है तो हिंदी करना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश करना है, ठीक है। दूसरा आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस, ये कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का, ठीक है। तीसरा आता है मैथ, ये भी 50 नंबर का। चौथा जो क्वेश्चन किया हुआ था, जो चीज समझ में नहीं आई वो यही है, क्लेरिकल, ठीक है। ये कितने नंबर का, 50 नंबर का। ये तो आपको तीनों मालूम होंगे, ठीक है ना। पेपर इसका काफी इतना सिंपल रहता है कि आप मतलब अगर एक बार पेपर उठा के देखना, इसका काफी सिंपल, मतलब पास हो जाते हैं आराम से। इसमें पांचवा पॉइंट आता है निबंध आता है और लेटर आता है, करना ही पड़ता है ये आपको। ये आते हैं आपके 25 नंबर, कितने हो गया, कितने नंबर का पेपर हो गया, 225 का हो गया। अब आप इसमें देखें, जो क्लेरिकल के बारे में जानकारी ले रहे थे, क्या नाम था उनका, रंजीत, ठीक है। जैसे रंजीत आपको बता देते हैं, जैसे ये है आपका नाम लिखा हुआ है, ये कर दिया हमने इसमें, आप क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया, उसमें क्वेश्चन हो गया क्लेरिकल के बारे में बता रहे हैं आपको, उसमें किस तरह से देंगे, उन्होंने दे दिया ये, ठीक है। दूसरा दे दिया, मतलब कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है, एड्रेस वगैरह सब कुछ रहेगा, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है। फिर दे दिया, ठीक है, फिर दे दिया और अब आप इसमें आपको मिलाना है कि चारों में से कौन सा मिल रहा है, कितना सिंपल है, अकेला मिला नहीं। अब आप मिलाएंगे इसमें से ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें से ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें से ही मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, आप देखें ना दोनों मिल रहे हैं, इसमें से ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मतलब आंसर क्या है, तीसरा। ये है आपका क्लेरिकल, ठीक है ना। इसमें क्या है कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो बड़ी आसानी से पेपर निकल जाता है। और इसमें एक और आपको जानकारी दे दी जाए, ये तो हो गया आपका सीआरपीएफ के बारे में। अब आईटीआई संबंधित जानकारी दे, अदर राज्यों में जिन जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने पेपर नहीं, एग्जाम फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक, तो जो एग्जाम फॉर्म है, परीक्षा फॉर्म है, वो जल्द से जल्द भर लें अपने, क्योंकि अदर राज्यों में आईटीआई वालों ने स्टार्ट कर दिया ये, ठीक है ना। उसमें कई जगह लागू भी हो चुका है, जनरल प्रमोशन जो चल रहा था अभी एमपी के अंदर शायद लागू होने वाला है, अभी अदर राज्यों में हो चुका है, जो अलग राज्य हैं उनमें, कई राज्यों में हो चुका है। तो आपको क्या करना है, अकेला आपको सिर्फ परीक्षा फॉर्म भरना है। जनरल प्रमोशन अगर होता है तो आपकी तैयारी चल ही रही है अच्छी लेवल की, है ना, तो आपको दिक्कत ही नहीं है, पेपर होगा तो ही बढ़िया, नहीं होगा तो ही बढ़िया है, ठीक है। और जैसे आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं,
ये अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो आपको बताएं कि जो हमारा सपना है ना, वो तभी पूरा होगा जब हमारे पास मेहनत होगा और साथ में जज्बा होगा। ये दो चीजों से आपको सफलता मिलेगी। और तीसरा होता है आत्मविश्वास, जो आपको करना पड़ेगा अभी इस टाइम पे। जिनका आत्मविश्वास टूटा हुआ है कि नहीं अभी क्या आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, वो इस चीज को छोड़ दे। वो ये सोच लें कि ये कोरोना जो है हमें प्रैक्टिस करने के लिए आया है। ये समझ लें आप, कोरोना जो है हमें प्रैक्टिस अच्छी खासी कराने के लिए आया है। क्योंकि सभी ये सोच के चल रहे हैं कि कोरोना क्लियर होगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। अगर अभी आपने प्रैक्टिस कर ली, आगे आपका टारगेट जो है जॉब है। अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं, अगर हमने अभी अच्छी खासी तैयारी कर ली तो सिलेबस चेंज हो जाएगा कि हम कैसे तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। इसमें क्या है, जैसे एक्सटर्नल करते हैं तो क्या है, कई लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। देखिए इसमें इसमें क्या है, समय तो देना पड़ता है, लेकिन समय जिसने दिया है एक ना एक दिन उसको फल मिला है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा है। समय रहे ना आप। इसके महान पुरुष बहुत सारे लोग ऐसे गवाह हैं जिन्होंने समय देते गए उनको आगे आके मेहनत के साथ जिन्होंने स्टार्ट किया है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है ना। और जो है हमारी सोच जो है, अपनी सोच को क्लियर करें, सकारात्मक सोच रखें। अगर आपने सकारात्मक सोच रखी तो आगे सकारात्मक ही अच्छा काम होगा। ठीक है ना, आशा हमेशा बना रखें। अब इसमें जैसे कि जिन जिन छात्रों ने जानकारी ली है, दी है जानकारी, उन्होंने पूछा था, उनके बारे में बता दें। जैसे संजीव है, मार्वल है, जितेंद्र है, सूरज है, ऋत्विक है, जीके है, रेवत, सुमित, साहिल, विपिन, लता जी, शुभम, कविता, पीएस रावत, सूर्या, अविनाश, रंजीत, राधा और पवन। बहुत बढ़िया। अब इसका ये क्यों बताना पड़ता है, पता है क्या है कि जैसे एक क्लास चल रही है, ठीक है ना। अब क्लास चल रही है उसमें अभी किसी का कुछ नहीं है, इसमें समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सामने लाइव क्लास चल रही है कुछ और बात होती है। अभी क्या सिर्फ यूट्यूब पे आपके पास पहुंच रही है और आप कर रहे थे यार। जो स्टूडेंट इसको देख रहा है, जो स्टूडेंट है जो इसको देख रहा है उसके बाद कमेंट्स कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच के साथ वो अपनी तैयारी कर रहा है, आशावादी है वो अपने भविष्य के लिए। ठीक है ना। तो इसलिए बताना पड़ता है कि और अच्छा कर सकते हो आप आगे के लिए, है ना। अभी टाइम है, अभी आप सोचो कि कोरोना भी क्लियर हो, क्लियर अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा। क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उनको भी कोरोना हो चुका है, अभी अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिर कंडीशन कैसी क्या है। तो आप घर पर रहें और तैयारी करते रहें, है ना। और भी अगर आपको जो जानकारी चाहिए तो